अजीत जोगी के जीवन पर आधारित द अजीत जोगी फिल्म बन रहा है। यह फिल्म अमित जोगी के मार्गदर्शन में राजश्री सिनेमा के बैनर तले बन रही है, जिसके निर्माता मनोज खरे एवं अरविंद कुर्रे हैं और संगीतकार हेमलाल चतुर्वेदी हैं। इस फिल्म के दो गानों में बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण और रितु पाठक ने अपनी मधुर स्वर से सजाया है। बता दें, यह फिल्म छत्तीसगढ़ में किसी राजनेता पर बनने वाली पहली फिल्म है। इस फिल्म में जोगी जी के जीवन से जुड़े उन अनदेखे और अनसुने पहलुओं को गंभीरता और स्थिरता से चित्रित किया जाएगा, जिनसे शायद आप अनभिज्ञ हैं। बायोपिक फिल्म द अजीत जोगी एक प्रेरणा स्रोत में स्वर्गीय अजीत जोगी जी के जीवन से जुड़ी उन तमाम संघर्षों को देखने मिलेगा। सबले पहले अमित जोगी जी न्यूज प्लस 21 के चैनल में आपन के स्वागत है। और ये सबर खुशी के बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के भाखा में छत्तीसगढ़ी आदमी के बायोपिक बना थे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी के बात है। आप मन का दृष्टिकोण से देखते हो कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाखा में फिल्म बना थे और बायोपिक बना थे, कैसे दृष्टिकोण है आप? जोगी जी के जो जिंदगी रही से वो जम्मो मन बार प्रेरणा के विषय है। अतका बड़ा चुनौती उमन के जिनका में आइन, लेकिन कभी वह हार नहीं मानिस। और यही संदेश ये पिक्चर के माध्यम से लोगन ला मिले ही। और मोला पूरा विश्वास है कि आज शारीरिक रूप से जोगी जी हमारे बीच में नहीं हवे, लेकिन ये पिक्चर के माध्यम से जोगी जी फिर से लोगन के दिल में और मन में जिंदा हो जाए। छत्तीसगढ़ी फिल्म काबर की वो एक मतलब मोटिवेशन भी रही, वो कहानी होकर जिन्हें बोला युवा मन भी बहुत सारा संदेश मिले। तो का गांव गांव में एक प्रचार करे पर एक प्रतिदर कुछ कार्यक्रम कर जाए, फिल्म दिखाए के कुछ जैसे, ताकि ओकर जीवनी में मतलब हर लोगन तक पहुंचाए, बच्चा से लेके बूढ़ा तक ओकर से फिर मतलब सीख मिले। मोला पूरा विश्वास है कि जैसने जोगी जिला उमन के जिंदगी में लोगन के माया मिलत रहीन, मन के आशीर्वाद मिलत रहीन, ओखर जिंदगी में जो ये पिक्चर बनी ओला घलो लोगन के माया और आशीर्वाद मिले। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो द जोगी पिक्चर से जुड़े लोग हैं, सब छत्तीसगढ़ से प्यार करने वाले लोग हैं, और पहली बार छत्तीसगढ़ में एक ऐसी पिक्चर बन रही है जो हिंदी में भी रहेगी और छत्तीसगढ़ी में भी रहेगी, क्योंकि जोगी जी का जो व्यक्तित्व था वो छत्तीसगढ़ तक केवल सीमित नहीं किया जा सकता, पूरे देश के लिए उनके जीवन एक प्रेरणा का विषय है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और हम लोगों ने आज उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसकी भी कुछ अंश सुने। उदित नारायण जी को मेरे पिताजी बहुत पसंद करते थे, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जी और लता जी के बाद उनको अगर किसी की आवाज़ अच्छी लगती थी तो उदित नारायण जी की आवाज़ उन्हें बहुत पसंद आती थी। और आज बहुत सौभाग्य की बात है, मैं समझता हूँ एक संयोग की बात है, कि उदित नारायण जी ने उनके जो जीवन पर अपनी आवाज़ में गीत गाया है वो आज सबको सुनने का मौका मिला। तय रही समर छत्तीसगढ़ के सबले लोकप्रिय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के पहला मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के कहानी के बारे में पिक्चर जिन्हें उखर लॉन्चिंग हुए के कहानी। और आज अमित जोगी प्रेस वार्ता करी से खर बारे में, वो पूरा जोगी के जीवन काल भर जतका जिन डायरेक्टर है और फिल्म के जिन बनाने वाला जिन टीम है तिन मन सब पूरा जगह जगह जाके उखर जहाँ रहे है वहाँ जहाँ पढ़े है उखर सब पड़ताल करे के बाद ये फिल्म बनाए के तैयारी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आप मन के हक के बाद।